सिंधुपति महाराजा दाहर सेन के 1354वीं जयंती के अवसर पर 7 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत शनिवार 19 अगस्त प्रातः 7:30 बजे से विशाल साइकिल रैली के साथ होगा। आयोजन समिति के खेल संयोजक विनीत लोहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी चौपाटी स्थित अरण्य राज उद्यान आनासागर जेटी से प्रारंभ होकर वैशाली नगर रीजनल कॉलेज चौराया होते हुए हरिभा उपाध्याय नगर विस्तार स्थित दारसेन स्मारक पर संपन्न होगी। इस रैली में स्कूली छात्र व छात्र वर्ग, पुरुष और महिला वर्ग तथा वरिष्ठ नागरिक वर्ग शामिल किए गए। रैली का शुभारंभ महाराजा अरण्य राज की मूर्ति पर पुष्प अर्पण कर किया जाएगा। अतिथियों की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना की जाएगी। समापन पर हिंगलाज माता पूजन व महाराजा दारसेन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक वर्ग में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों के साथ रैली के विजेताओं को आकर्षित पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस रैली के विजेताओं को जहां आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, लगभग 5 किलोमीटर मार्ग पर साइकिल रैली में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का भव्य स्वागत किया जाएगा। जगह जगह फूलों की वर्षा होगी तथा प्रतिभागियों के लिए पानी का इंतजाम भी किया जाएगा। ड्रॉ द्वारा प्रथम विजेता को साइकिल प्राप्त होगी। संयोजक ललित नागरानी ने बताया कि इस रैली में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के लिए स्मारक पर लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। लकी ड्रॉ के माध्यम से साइकिल वालों की ओर से प्रथम पुरस्कार साइकिल भेंट की जाएगी। 10 साइकिल वालों की ओर से 10 विशेष पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। समाप्ति पर सभी प्रतिभागियों को अल्पाहार दिया जाएगा। कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत 20 अगस्त को वृक्षारोपण, 21 अगस्त को स्कूली स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिता, 22 अगस्त को वीर सपूत रूपलो कोहली बलिदान दिवस, सायंकाल 6 बजे स्मारक पर पुष्प अर्पण व संगोष्ठी, 23 अगस्त को दारसेन पर ऑनलाइन विचार गोष्ठी का आयोजन, 24 अगस्त को पूर्व संध्या पर दीपदान व इंगलाज माता पूजन अर्चना स्मारक पर, 25 अगस्त को मुख्य कार्यक्रम दारसेन स्मारक पर प्रातः 9 बजे से आयोजित किया जाएगा, जिसमें देशभक्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण समारोह होगा। जयंती समारोह में सिंधुपति महाराज दारसेन विकास व समारोह समिति के साथ नगर निगम, अजमेर विकास प्राधिकरण, पर्यटन विभाग, भारतीय सिंधु सभा, सिंधु शोध पीठ, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, भारतीय इतिहास संकलन समिति का सहयोग रहता है।